ଗୁରୁବାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଦେଶର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ। ପାକ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା। ହମିଦ ଅନସାରୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବାବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ସେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆସିଥିଲେ ଭାରତ। ଭାରତରୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇ ଯୋଗାଉଥିଲେ ପାକ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇକୁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ। ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜରିଆରେ ଆରୋପକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଲେ ଅନସାରୀ। ପରୋକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ କଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁସରତ ମିର୍ଜା କଂଗ୍ରେସ ବା ଉପା ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। କଂଗ୍ରେସ କିପରି ଦେଶକୁ ବିପଦ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପାକ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। 2010 में फिर हमें बुलाया गया है जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था तो उन्होंने उस पर भी हमने इन्हें 2011 में मैं लास्ट गया था जब वो एक बार दिल्ली में। नुसरत मिर्जा का खुलासा अनुसार 2005 रु 2011 मध्य रे से पांच थर भारत आसीबा सहित एठारु अनेक गुप्त एवं संवेदनशील तथ्य नै पाक गुइंदा संस्था आईएसआई को प्रदान करछंती जहां आतंकवादी संगठन को मध्य मिली निमंत्रण करथिले तत्कालीन उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी। कांग्रेस शासन समय होइतिबा एपरि देश विरोधी कार्य को टार्गेट करिछि बीजेपी। एने एक सांबादिक सम्मेलन जरिए कांग्रेस को प्रश्न करिछन्ति बीजेपी मुखपात्र गौरव भाटिया। भारत पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कांग्रेस की सरकार 2005 से 2011 के बीच में पांच बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है वो भी हमिद अंसारी जी देते हैं। जने सांबादिकों को बारंबार भारत डाकिबार कौन थिला उद्देश्य देशर केउ गुप्त और संवेदनशील तथ्य दिया जाइछि सरकारी एवं बेसरकारी भावरे केउ तथ्य शेयर करा जाइछि सेतबेले एही कथा गुइंदा विभाग को जणा थिला कि नाही। हमिद अंसारी क्यों कारण पाई तांको बारंबार अनुरोध करूतिले भारत आसीबा पाई क्यों आधार रे तांको भिसा दिया जाउतिला ए बाबत रे कांग्रेस एवं सोनिया गांधी जवाब रखंतु बोली कहिचंती गौरव भाटिया। सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी तो शायद देश में नहीं है लेकिन ये आशा जरूर है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो भी इसका संज्ञान लेंगे और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तबे यहां ऊपर प्रतिक्रिया रखिबा सहित अभिजोग को भित्तिहीन बोली कहिचंती कांग्रेस नेता तथा सांसद जयराम रमेश और पूर्वतन उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी। अंसारी एक विवृति जरिया समस्त अभिजोग को खंडन करी से केबे नुसरत को भारत निमंत्रण करी नहांती कि तांको भेटी नहांती बोली कहिचंती। सरकार को परामर्श क्रमे ही विदेश एक्सपोर्ट को डका जाय से 2010 रे आतंकवाद उपरे कॉन्फ्रेंस रो उद्घाटन करथिले निमंत्रितक तालिका आयोजकक द्वारा प्रस्तुत करा जायतिला। तबे अनसारी पाक सांबादिकक भेटि नहांती कि जानि नहांती बोली कहिबा सहित सरकारक परामर्श रे विदेशी एक्सपोर्ट को डका जाय कहिबा बेले परोक्षरे सेतबेळर उपा सरकार आळकु ही आंगुळी निर्देश करिसंती अर्थात उपा सरकार द्वारा ही निमंत्रण मिलिथिला मिर्जाकु। एबे बीजेपी रो आरोप को कांग्रेस भित्तिहीन कहुथिबा बेले अंसारी को आंगुली निर्देश प्रति काही की चुप रहिछि ताकु नै सृष्टि होइछि प्रश्नवाची। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।